गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतूजंग विद मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 8.3। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैं आपको करा चुकी हूँ। टुडे नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो द एक्सरसाइज स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया 8.3 एंड पेज नंबर इज 171। दिस इज द एनसीईआरटी बुक एंड चैप्टर नेम इज कंपेयरिंग क्वेश्चंस। और ऑल ऑफ यू नो दैट कि आपकी क्लास 7th ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। क्वेश्चन का मतलब समझो क्वेश्चन कि एक सिटी है, तो सिटी में आपकी पॉपुलेशन क्या है, 25,000 से क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। डिक्रीज मीन्स कम होना। और फाइनली अब क्या है कि जो डिक्रीज हुई है आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइनली उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। बस ये क्या है, ये आपके ओरिजिनल मान सकते हैं, ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी। ओके, यू विल तो क्या आएगी बच्चों, 25,000। अब नेक्स्ट है डिक्रीज फॉल्स, डिक्रीज कितना हुई आपकी, हाउ मच, 24,500। ओके, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो गया आपका। अब क्या निकालें, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स कि आपको कितना यहाँ पे तो आपका चेंज आ जाता है, या फिर जो डिक्रीज हुई है अपॉन में ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका चेंज कितना है, 25,000 चेंज आपकी हुई है, तो 25,000 माइनस 24,500। जब दोनों को माइनस करते हैं सबका क्या आ गया, 500 आ गया। तो जैसे ही वैल्यू आ गई, चेंज की आ गई, पुट दी वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, क्योंकि ओरिजिनल आपको गिवन है 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज आल्सो गिवन। तो क्या हो जाएगा, 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज था 5,000, 500 अपॉन 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गई, जीरो से जीरो कैल का 1, 2। तो क्या गई आपकी परसेंटेज चेंज, कितनी आ गई आपकी, 2%। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, अरुण रोट ए कार रुपीज 50,000 एंड द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वांट अ रुपीज टू 370,000। तो बोल वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। क्वेश्चन का मतलब समझो स्टूडेंट्स, ठीक है कि कोई एक पर्सन है अरुण, उसने 350,000 की परचेज किया कार, उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो कार में क्या है, उसने कुछ इंस्ट्रूमेंट लगवाए होंगे जो भी, तो वो हो गई आपकी 370,000 की। तो बोल वाज द परसेंटेज चेंज प्राइस इन इंक्रीज। तो आपको जो इंक्रीज लगे, 350,000 से 70 पे इंक्रीज हो गया, तो आपको ये परसेंटेज फाइंड आउट करने की कितने परसेंट चेंज हुआ है। तो यहाँ पर अरुण गॉट ए कार हाउ मच रुपीज, 350,000। ओके, ये हो गया। अब क्या है प्राइस नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर द प्राइस, ये क्या नहीं आएगा उसमें, प्राइस बॉन्ड अप टू हाउ मच, 370,000। ओके, तो चेंज हुआ है आपका, यहाँ पे चेंज कर देते हूँ, कितना हुआ है, 350,000 माइनस 370,000 माइनस 50,000। तो ब्रैकेट में डाल देती हूँ मैं, क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। ओके, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड।
तो यहाँ पे आपका चेंज हुआ है, 20,000 का चेंज हुआ है। अब मैंने चेंज निकालने के लिए परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था आपको, परसेंटेज चेंज के लिए चेंज अपॉन में ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय, ओके, कि जो चेंज हुआ है वो अकाउंट में ओरिजिनल जो काल की ओरिजिनल कॉस्ट थी मल्टीप्लाई बाय 100, तो चेंज आपका कितना हुआ है 350,000 ओरिजिनल, सॉरी यहाँ पे चेंज था ना, तो चेंज तो 20,000 का हो, अब ओरिजिनल था 350,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब देखो 1, 2, 3 तीनों जीरो से कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो अब 5 को डायरेक्टली कट कर दे, तो 5, 7, 5, 2, 10, ओके। तो अब 20 को जो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 40/7, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से कोई भी कट नहीं हो रहा। अब डिवाइड कर देते हैं, परसेंटेज ये आ गई, बट अगर मिक्स फ्रैक्शन में भी आते हैं अपॉन 7, कि मिक्स फ्रैक्शन में क्या रहता है स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करो, कंप्लीट जो डिवाइड है तो रिमाइंडर आपको ऊपर आ जाता है, ओके। तो क्या हो गया, अगर 7, 5, 35, 5, 40, तो आपको परसेंटेज चेंज हुआ वो क्या हुआ 5, 5 completely by 7। तो ये परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस इंक्रीज इन द कार अरुण 5, 5 by 7। तो आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, आई ब्रॉट ए टीवी फॉर रुपीज 10,000, की कोई पर्सन है उसने टीवी कितने का खरीदा 10,000 का, एंड सेल इट फॉर ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज, कितना प्रॉफिट हो उसको 20%, तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, कि उसको टोटल कितने मनी, तो आपका क्या है टोटल प्रॉफिट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा ब्रॉट ए टीवी हाउ मच 10,000, ओके। फिर अब प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट आपको उसको हुआ है 20%, तो प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला आपका होता है स्टूडेंट्स, कि जो आपको गिवन है सीटी मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट और अपॉन में 100, ओके। तो ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट निकालने के लिए, तो अब सीटी आपका 10,000 का आ गया मल्टीप्लाई बाय क्या है 20% अपॉन में 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो अब क्या आ गया आपका 2,000 आ गया, ये आपका 20% प्रॉफिट है। अब उसने पूछे हाउ मच मनी, कि टोटल मनी, तो टोटल मनी क्या हो जाएगी आपकी सीपी प्लस में प्रॉफिट, तो यहाँ पे क्या आएगा सीपी आपका 10,000 था प्लस में 2,000 प्रॉफिट, तो क्या आएगा 12,000, तो टोटल जो उसकी मनी होगी वो 12,000 होगी, ओके फ्रेंड। अब दूसरा मेथड भी मैं करा देती हूँ, यहाँ से दूसरा मेथड क्या होता है कि सेम फॉर्मूला क्या होगा सीपी मतलब प्रॉफिट प्लस में 100, ये होगा। तो आप पजल मत हो ना कि किसी बुक में कोई फॉर्मूला दिया होगा, किसी भी कोई दिया होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा फॉर्म में 100 ये था, तो सीपी आपका 10,000 है मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट आपका क्या था 20% प्लस 100 क्या हो जाएगा 120 अपॉन में 100, तो देखो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, अब 120 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर क्या है 12,000। तो दोनों मेथड से आपका आंसर क्या है सर सेम आया है, तो आई होप यू क्लियर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन, दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, जूही सेल ए वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज 13,500, शी वॉज 20% इन द लॉस है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, लॉस इन द बार्गेनिंग, तो व्हाट वाज द प्राइस एट द शी बॉट इट, कि अब क्वेश्चन समझो फ्रेंड्स, कि एक पर्सन है गर्ल जूही, वो एक वॉशिंग मशीन परचेज करती है, वॉशिंग मशीन का प्राइस क्या है 13,500 और उसको 20% लॉस हो जाता है, ओके। तो क्या है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, कि ओरिजिनल प्राइस क्या था, तो लेट हो जाएगा लेट द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन
क्या लगा एक्स ओके क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता है दूसरी क्या आएगा सोल्ड सोल्ड वॉशिंग मशीन कितने का हो जाएगा 13,500 ओके अब लोस हुआ है लोस हुआ है उसको 12 तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोस की जो ट्रांजिशन है लोस अपॉन में 100 ओके मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स क्यों लिया क्योंकि हमें यहाँ का प्राइस नहीं पता तो जो ये वाला जो प्राइस है ये कितने के इक्वल है हमें वो चीज करना है तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं 13,500 ओके ठीक है जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया वन से वन तो यहाँ पे वन आ गया यहाँ पे फाइव आ गया तो 1/5x ओके तो लोस आपको कितने का हो स्टूडेंट्स 1/5x लेकिन टोटल हमारा कितना था भाई टोटल हमारा था एक्स तो अब ये दोनों का डिफरेंस कर लेता है क्योंकि ये वाला प्राइस है जो डिफरेंस आएगा उसके इक्वल आ जाएगा तो क्या आएगा एक्स माइनस 1/5 यही होगा तो कितने के एलसीएम 5 अभी आप कह लो 5x माइनस क्या आएगा 1 ये आप कह लो 4x अपॉन में ये हो गया अब ये दोनों ये प्राइस है ये इसके इक्वल है तो क्या हो जाएगा 13,500 = 4x = 5 ये है क्या हो जाएगा डू दी क्रॉस मल्टीप्लाई तो 13,500 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 4 ये आ गया अब 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 6 12 ओरिजिनल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन स्टूडेंट्स आपका क्या आ जाएगा भाई ये हमारा लॉस हो रहा था ना तो वो आपका क्या था कि वो सेल हुआ और ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या था 16,875 तो अब ये जो आपका ओरिजिनल प्राइस आ गया और वो आया आपका 20% लॉस के बाद तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स ए जार कंटेन्स कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 10:3:12 फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए कार्बन ये क्वेश्चन स्टूडेंट की आपको एक चौक जो व्हाइट बोर्ड में चौक लिखते हैं ना वो है तो कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो है तो देख लेते हैं कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन रेशियो है तो क्या रेशियो है आपकी 10:3:2 ओके ये हो गई तो टोटल रेशियो कितनी हो जाएगी आपकी टोटल हो जाएगी 10+3+12 तो 10 और 3 13 और 12 20 टोटल रेशियो आपकी 25 हो गई ओके फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन तो कार्बन कितना हो जाएगा देखो अब कैल्शियम आपका कितना है 10 कार्बन 3 इस सेकंड में 3 है ना तो ये 3 हो जाएगा ओके तो हमें ऑक्सीजन लिखने की नीड नहीं है तो अब 3 क्या आ जाएगा मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी फर्स्ट ईयर सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें रेशियो ऑफ क्वेश्चन था बताया था तो क्या आएगा जिसकी फाइंड आउट करनी होती है 3/25 यहाँ पे लिख देती हूँ कार्बन मल्टीप्लाई बाय ओके तो क्या आएगा 5 5 = 5 2 0 5 1 = 5 4 4 3 = 12 तो कार्बन की जो रेशियो है वो कितनी आ गई स्टूडेंट्स 12 ओके तो आई होप कि फर्स्ट पार्ट विल बी क्लियर अब सेकंड पार्ट है इफ इन ए चार स्टिक कर्टेन कि कार्बन इज 3 ग्राम कि जो ये कार्बन है वो कितने ग्राम है 3 है तो व्हाट इज द वेट ऑफ ए तो सेकंड पार्ट में इधर को ही करा देती हूँ चार जो कार्बन है वो है 3 ग्राम है अब हमें क्या है चौक की टोटल रेशियो निकालनी है ओके तो क्या हो जाएगा 12% आपकी क्या परसेंटेज में कितना है 12 तो क्या आएगा 12% of 3 ठीक है ये हो गया स्ट्रेंथ तो क्या
आपका क्या गिवन था कि 12% गिवन था, सॉरी मैंने गलत किया, तो क्या था कि 12% वो किसकी इक्वल है, 3, तो 12% ऑफ इट्स इक्वल टू 3 आएगा, इक्वल टू 3, ये हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, 12 ऑफ x भी लिख सकते हैं, तो क्या होगा, लेट द वैल्यू x, ये हो गया। तो क्या था, x मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ 12 अपॉन 100 इज इक्वल टू में 3, ये 3 हो गया क्योंकि 3 तो आपका इक्वल में आता है ग्राम में, तो डू दी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 12 इज इक्वल टू में, तो 3 1 जा 3 4 जा 12, अब 4 को 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25, तो 25 इज इक्वल टू में, तो द वैल्यू ऑफ, क्या था कि इफ द चॉक, कि व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक, आपका कितना आ जाएगा 25 ग्राम लिया जाएगा। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, तो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो स्ट्रेंथ आज की जो हमारी क्लास है वो और होती है, तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये क्या, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और उसमें कंप्लीट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।